हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम एस एडिट। तो है गाइस, कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो आज का वीडियो गाइस फिर से लेके आ गए एक को राजस्थानी स्टेटस एडिटिंग जो होने वाला बहुत ही शानदार। केवल एक फोटो लगा के बहुत ही शानदार स्टेटस एडिटिंग सिखाने वाला हूँ गाइस आपको। तो सबसे पहले तो गाइस आपको स्टेटस दिखा देता हूँ गाइस। उससे पहले आज की इस वीडियो के अंदर किस चैनल का प्रमोशन होने वाला गाइस वो जल्दी से चल के देख लेते गाइस। तो यहाँ पे आपको साइड में मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी गाइस। तो यहाँ पे इस चैनल का नंबर आ चुका है, इस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा गाइस। तो इस चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर करना, कल ना आपका नंबर भी आएगा तो ये भाई भी आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा गाइस। और गाइस अगर आप भी अपना चैनल प्रमोशन करवाना चाहते हो गाइस तो ये चार स्टेप फॉलो कर लेना, आपका चैनल भी प्रमोशन हो जाएगा फ्री के अंदर। तो गाइस ये चार स्टेप कौन कौन से वो मैं जल्दी से बता दूं। तो गाइस पहला है इस वीडियो को लाइक कर देना, दूसरा गाइस इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कर लेना, और तीसरा गाइस इस वीडियो के अंदर एक कमेंट जरूर करना, और चौथा गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, जो गाइस ये चारों स्टेप फॉलो करेगा उसका नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जो मेरी रेगुलर वीडियो देखते होंगे ना उनको सभी को पता गाइस। तो चलो गाइस अब दिखा देता हूं आपको स्टेटस। तो स्टेटस देखिए गाइस, हे गाइस आज का स्टेटस आपको कैसे लगा? स्टेटस अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना गाइस, और इसी तरह का सेम टू सेम स्टेटस बनाना गाइस तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना, स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा गाइस। तो चलो गाइस अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना गाइस, और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना गाइस। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा गाइस। तो चलो गाइस अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, बताता हूं इस तरह के स्टेटस आप कैसे बना सकते हो। चलो स्टार्ट करते चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सो हेलो दोस्तों, आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले इस वीडियो को बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, अलाइट मोशन की। अगर आपको अलाइट मोशन का मोड वर्जन चाहिए गाइस तो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो गाइस। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिख रहा होगा गाइस। तो ये दो प्रोजेक्ट आपको इंपोर्ट कर लेना अलाइट मोशन एप्लीकेशन के अंदर। पहला रहेगा एम एस एडिट बिटमार्क प्रोजेक्ट रहेगा, दूसरा रहेगा एम एस एडिट इफेक्ट प्रोजेक्ट। ठीक है ना गाइस, दोनों प्रोजेक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा गाइस, ये देख सकते हो गाइस। ठीक है, अब आपको करने का होगा गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए मेरे स्टार्टिंग के अंदर लोगो लगा हुआ है गाइस, 0 सेकंड से लेके 0.2 सेकंड तक। ठीक है, यहाँ तक अपना लोगो ऐड कर लेना गाइस, अपना फुल स्क्रीन लोगो जो मैंने लगा रखा है। ठीक है गाइस, अब आपको यहाँ पे जिस भी फोटो पे आपको वीडियो बनाना गाइस वो फोटो सेलेक्ट करना होगा। तो इस बीट मार्क पे आ जाना, 0.2 सेकंड पे प्लस पे क्लिक करना और मीडिया पे क्लिक करना, और यहाँ से आ गाइस आपको फोटो मतलब फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गाइस, जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी फोटो गाइस। ठीक है, तो गाइस मैं ये वाली फोटो सेलेक्ट कर रहा हूँ, फोटो पे क्लिक करेंगे फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना गाइस फोटो यहाँ पे आ जाएगी। अब इस फोटो को फुल स्क्रीन करना गाइस, तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंप्रेशन एरिया पे क्लिक कर देना गाइस, फोटो फुल स्क्रीन हो जाएगी। अभी देख सकते हो गाइस ये फोटो का लेयर यहाँ तक है, अभी इसको एंड तक करेंगे गाइस। तो इसी फोटो पे क्लिक करके एंड के अंदर आ जाओ, इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना गाइस, फोटो एंड तक आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया। अब इस फोटो के अंदर आपको इफेक्ट लगाना होगा, इफेक्ट लगाने के लिए यहाँ से आपको बैक आना है, इफेक्ट कल प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सबसे नीचे आना आपको पहले तो। ठीक है, आने के बाद में देखिए गाइस यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 नंबर पे ये वाला लेयर है गाइस। ठीक है, ये वाला लेयर, इस वाले लेयर पे क्लिक करना, और उसके बाद में आपको यहाँ पे प्लस लेयर पे क्लिक करना और कॉपी लेयर पे क्लिक कर देना गाइस, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना, बैक आने के बाद बिटमार्क और प्रोजेक्ट ओपन कर लेना गाइस। तो सबसे पहले तो यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर 0.2 सेकंड पे आना, प्लस लेयर पे क्लिक करना और पेस्ट लेयर पे क्लिक कर देना गाइस, तो वो लेयर यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा गाइस जो अभी आपने कॉपी किया था। ठीक है, तो देख सकते हो गाइस कुछ इस प्रकार से इफेक्ट देखने को मिलेगा। अभी इस ये लेयर ये गाइस यहाँ तक ही है, अब इसको इस बिटमार्क तक लेना होगा। तो इस बिटमार्क तक आ जाना, इस बिटमार्क पे आ जाना और इसी लेयर पे क्लिक करना, स्पीड पे क्लिक करना, इस वाला आइकन पे क्लिक कर देना गाइस, तो ये यहाँ तक आ जाएगा गाइस, जो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा गाइस जो देख सकते हो। ठीक है ना, और उसके बाद में क्या करना गाइस, आगे आपके बिटमार्क रहेंगे, यहाँ पे अभी दूसरा इफेक्ट लगाएंगे जो मैं बता दूंगा अभी कौन सा लगाना। उसके बाद आगे आना गाइस और यहाँ पे आ जाओ, देखिए मैं टाइमिंग बता देता हूँ आपको, इस जगह आ जाना, 11.3 सेकंड पे आ जाना सीधा। ठीक है, उसके अंदर प्लस लेयर पे क्लिक करना और पेस्ट लेयर पे क्लिक कर देना गाइस, वो लेयर वापस पेस्ट हो जाएगा यहाँ। अब इस लेयर को भी आपको गाइस इस बिट मार्क तक रखना होगा, तो इसी लेयर पे फिर से क्लिक करना, स्पीड पे क्लिक करना, इस वाला आइकन पे क्लिक कर देना गाइस, तो ये लेयर भी यहाँ तक आ जाएगा गाइस जो देख सकते हो। गाइस एक बार आपको दिखा देता हूँ, जो देख सकते हो गाइस कुछ इस प्रकार से देखने को मिले। अब यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया गाइस। अभी जो जो गाइस देख सकते हो जहाँ जहाँ बिट मार्क है गाइस, अभी यहाँ पे आपको इफेक्ट लगाना होगा। अब इफेक्ट कैसे लगाना गाइस वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ से आपको पहले बैक आना, इफेक्ट कल प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस, सिंपल सा। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाना, सबसे नीचे यहाँ पे आपको 3 लेयर दिख रहे होंगे, 1 और 2 और 3, इन तीनों को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना। सेलेक्ट कैसे करना है, इस प्रकार से होल्ड करके रखना,
सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इन तीनों पे इस प्रकार से राइट को मतलब क्लिक करते रह जाना, तो ये राइट का ऑप्शन लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस लेयर पे क्लिक करना और कॉपी थ्री लेयर पे क्लिक कर देंगे, तो ये तीनों लेयर यहाँ से कॉपी हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना, बीट मार्क और प्रिज को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए इस बीट मार्क पे आ जाना, जो मैं टाइमिंग बता देता हूँ 4:14 पे आ जाना, और प्लस लेयर पे क्लिक करना, पेस्ट थ्री लेयर पे क्लिक कर देंगे, तो ये तीनों लेयर यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे गाइस, देख सकते हो गाइस। ठीक है, तो देख सकते हो गाइस ये बीट मार्क के हिसाब से एकदम ये इफेक्ट यहाँ पे पेस्ट हो गया। उसके बाद अगले बीट मार्क पे जाना, इस बीट मार्क पे आ जाना 5:24 पे। ठीक है, यहाँ पे तो आपने इफेक्ट लगा दिया। उसके बाद 5:24 पे आना, उसके बाद प्लस लेयर पे क्लिक करके पेस्ट लेयर पे क्लिक कर देना गाइस, तो ये तीनों लेयर आगे पेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाना गाइस 7:24 पे, फिर से प्लस लेयर पे क्लिक करना, पेस्ट थ्री लेयर पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद इस बीट मार्क पे आ जाना आपको 8:14 पे, फिर से प्लस लेयर पे क्लिक करना, पेस्ट थ्री लेयर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद आगे आना गाइस आपको इस बीट मार्क पे आ जाना 9:24 पे, प्लस लेयर पे क्लिक करना, पेस्ट थ्री लेयर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपने काम पहले कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद इस बीट मार्क पे आ जाना 13:24 पे, यहाँ पे आना, फिर से आपको प्लस लेयर पे क्लिक करना, पेस्ट थ्री लेयर पे क्लिक कर देना गाइस, तो ये तीनों लेयर यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे बीट मार्क के हिसाब से। और उसके बाद अगले बीट मार्क पे आना, फिर से प्लस लेयर पे क्लिक करना, पेस्ट थ्री लेयर पे क्लिक कर देना गाइस, ये आगे पेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद इस बीट मार्क पे आ जाना 16:15 में, फिर से प्लस लेयर पे क्लिक करके और पेस्ट थ्री लेयर पे क्लिक कर देना गाइस, तो ये आगे की तरफ पेस्ट हो जाएगा गाइस। ठीक है, उसके बाद इस बीट मार्क पे आ जाना, फिर से आपको 17:25 में, फिर से प्लस लेयर पे क्लिक करना, पेस्ट थ्री लेयर पे क्लिक कर देना गाइस। उसके बाद अगले बीट मार्क पे आ जाना यहाँ पे, और देखिए गाइस 19:05 पे आ जाना, प्लस लेयर पे क्लिक करके पेस्ट थ्री लेयर पे क्लिक कर देंगे। जो ये लास्ट वाला इफेक्ट है गाइस, इसको हटा देना, इस वाले लेयर पे क्लिक करना और यहाँ पे ऊपर जाके डिलीट पे क्लिक कर देना गाइस, तो डिलीट हो जाएगा। अब आपको वीडियो गाइस देखिए, इस पूरी वीडियो के अंदर इफेक्ट लग गएगा इस फोटो के अंदर, जो देख सकते हो गाइस। देखिए अभी आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा गाइस, जो बहुत ही शानदार तरीके से आ रहा है, जो देख सकते हो गाइस। ठीक है, तो यहाँ तक हम आपका कंप्लीट हो गया गाइस, ये देख सकते हो। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा गाइस, अभी इसके बॉर्डर पीएनजी ऐड करना होगा। और देखिए गाइस आपकी फोटो का जो कलर है इतना अच्छा से नहीं दिख रहा होगा गाइस, तो वो भी आपको इसके अंदर करना होगा। तो इसके अंदर वो इफेक्ट लगाने के लिए यहाँ से आपको पहले बैक आ जाना, बैक आने के बाद इफेक्ट वाले प्रिज को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद देखिए गाइस यहाँ से इस वाले लेयर से देख लेना गाइस, तो यहाँ पे एचडीआर कलर है गाइस, वो इसके अंदर पेस्ट करेंगे तो बहुत ही शानदार फोटो दिखेगी गाइस। और देख सकते हो गाइस ये जो लेयर है गाइस, इनको कॉपी कर लेना है। अब कौन कौन से लेयर है गाइस, तो इस लेयर से देख लो गाइस, तो यहाँ से इस लेयर को सेलेक्ट करना है, इस प्रकार से होल्ड करके रखना, सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इन सभी को आपको इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना गाइस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया गाइस, ये पूरे देखिए कितने लेयर हो गए गाइस, पूरे 6 लेयर है जो सेलेक्ट हो गए गाइस। उसके बाद देखिए गाइस यहाँ से, ठीक है देख लो, आपको मैं बता देता हूँ, इस लेयर से ऊपर वाले लेयर आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद प्लस लेयर पर क्लिक करके कॉपी 6 लेयर, इस पर क्लिक कर देना गाइस, तो ये 6 लेयर यहाँ से कॉपी हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है, बीट मार्क और प्रोजेक्ट पे आ जाना डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट बीट मार्क पे यहाँ पे देखें स्टार्टिंग के अंदर ही आ जाओ गाइस। ठीक है, उसके बाद आपको स्टार्टिंग के अंदर आना, प्लस लेयर पे क्लिक करके पेस्ट 6 लेयर पे क्लिक कर देंगे, तो ये 6 लेयर यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। जो देख सकते हो गाइस कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहे होंगे गाइस, जो एकदम परफेक्टली यहाँ पे मैच हो गए गाइस। अभी देखिए गाइस, अभी आपको फोटो का कलर भी दिखा देता हूँ, पहले कैसा था अब कैसा है। ठीक है, तो अभी एक बार मैं बैक का बटन दबा देता हूँ, तो देखिए गाइस अभी फोटो देख सकते हो आपकी कितनी शानदार दिख रही है। जैसे बैक करोगे तो आपकी देखिए फोटो इतनी अच्छे से नहीं दिख रही, तो ये वाला इफेक्ट आपको लगाओगे तो बहुत शानदार तरीके से दिखेगी गाइस। ठीक है, तो देखिए गाइस अभी आपको इसके अंदर भी कुछ चीजें बाकी है गाइस, वो भी कंप्लीट करनी होगी। तो यहाँ पे आई मिस यू आर, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे एक लोगो दिखेगा गाइस, यहाँ पे देखिए मेरा लिखा हुआ है MS Editing के यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ ऊपर कोने पर यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब इनको आपको चेंज कर लेना है, ठीक है अपना लिख लेना। तो ये दोनों लेयर है गाइस, ठीक है फर्स्ट वाला लेयर ये, फर्स्ट वाले लेयर पे क्लिक करेंगे और डबल एड एक्स पे क्लिक करेंगे, और इसको हटाना है आपको, यहाँ से काटना है और अपना लिख देना है। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर वाला लेयर, इसके अंदर भी ये सेम यही प्रोसेस करना। फाइनल गाइस आपका वीडियो पूरा कंप्लीट बन जाएगा। अब इस वीडियो को सेव करना गैलरी के अंदर, तो इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, वीडियो पे सेलेक्ट करना, उसके इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना। उसके बाद एक्सपोर्ट रिजोल्यूशन गाइस वो सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपके फोन में सपोर्ट कर रहा गाइस वो रख लेना, तो मेरे फोन में 1080 सपोर्ट कर रहा गाइस, तो मैं 1080 रख लेता हूँ, उसको फुल कर देना गाइस। अगर क्वालिटी कम है गाइस तो क्वालिटी को बढ़ा देना, इस प्रकार से फुल कर देना। उसके बाद में एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना गाइस, आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होने लग जाएगी। ये पूरी 100% एक्सपोर्ट होने के बाद में यहाँ पे सेव का बटन आएगा, सेव के बटन पे क्लिक कर देना गाइस, तो आपकी वीडियो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी गाइस।